वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे क्लिक करके जरूर देख लेना। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर में हमने कैसे दर्शन किए और राम मंदिर में भी, तो वीडियो एंड तक देखना जरूर। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। कैसे पहुँचे हैं हम यहाँ, ये तो आपको फर्स्ट पार्ट में पता चल ही गया होगा। अंदर से बहुत सुंदर बना रखा है मंदिर और भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है। भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि लाइन यहाँ पे रोक दी जाती है थोड़ी सी देर के लिए, बट ये सब करने के बाद भी मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको चढ़ाना हो तो आप चढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं आपको मंदिर के अंदर का दिखा रही हूँ, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं और हनुमान जी भी हैं। मंदिर में थोड़ा संभल के चले ताकि जो आपका पर्स है और फोन वो चोरी ना हो। और ये राइट साइड मंदिर है और इसके सामने ही लेफ्ट साइड पे बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं, छोटे से, बहुत सारे तो नहीं, सिर्फ तीन ही बना रखे हैं जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है। मंदिर यहाँ से हम निकल गए हैं दर्शन अच्छे से करके, लेकिन हमने साइड से करे, आपने क्लिप देख ली होगी, साइड से दर्शन हुए हमारे। गर्मी बहुत ज्यादा लगी हमें क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ थे ना, इसलिए। ये कौन सा पान है? तो यहाँ से मंदिर के जाने का रास्ता है और ये साइड में से आने का रास्ता है, और ये मिठाई की शॉप है जहाँ से हमने मिठाई ली थी घर के लिए और चढ़ाने के लिए भी। ये शॉप मंदिर के पास ही थी, यहाँ से हमने पेड़ा लिया था, वो बहुत अच्छा था। बाहर आके मुझे एक ये दुकान दिखी, ससुर दामाद की पुरानी सुपर से चंदन की दुकान। तो आप देख सकते हैं दुकानें कितनी नीचे धस चुकी है, एक नहीं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप है जो नीचे ऐसे धस चुकी है। और हमें किसी ने बताया कि पंजाबी तड़का पे खाना खाना, तो हमने यहीं पे खाना खाया था। सो अभी हम होटल में पहुंच गए हैं, 11 बजने ही वाले हैं, थोड़ी देर होगी थी हमें घर आए हुए, सॉरी होटल आए हुए। अब हम ड्रेस चेंज करेंगे और सीधा सोएंगे क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं सोए, 3:30 बजे के उठे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करने के बाद। सो फाइनली मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब बारी है फाइनली सोने की। मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आपके वीडियो पसंद आई हो, ये अयोध्या की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कल भी मैं यहीं पे हूँ, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शायद ये वीडियो भी बहुत पार्ट्स में आएंगी, पार्ट 1 और 2 में, तो जो कल वाली वीडियो वो पार्ट 3 में हो जाएगी। जैसा भी होगा मैं अपलोड करती रहूँगी, तो देखना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, मैं वीडियो को कंटिन्यू ही रख रही हूँ। और होटल की बालकनी में मुझे एक बंदर बैठा हुआ देखा तो मैं इसको रिकॉर्ड करने रुक गई। और ये बंदर जो आप देख रहे हैं ये अपनी इस दुनिया में मस्त था, इसने मुझे देखा भी नहीं और ना कुछ कहा। तो यहाँ पे बहुत ही पीसफुल सी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी, तो चलिए इस बंदर को अपना काम करने देते हैं और देखते हैं और बंदर को। यहाँ पे बंदर तो बहुत सारे हैं, वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं। तो फाइनली 7:30 बज गया हूँ, मैं नहा के अच्छे से तैयार हो गई हूँ, मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि मंदिर में सूट पहनना अलाउड है, मतलब नॉट अलाउड तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉट अलाउड वेस्टर्न ड्रेसेस है जो नहीं पहननी, और मैंने सूट पहन लिया है स्पेशली ये वहाँ जाने के लिए, मैंने सूट खरीदा था। और वहाँ पे देखते हैं सबने सूट पहन रखा होगा या नहीं, या कैसा सूट पहन रखा होगा वो तो मुझे नहीं पता। वहाँ पे ड्रेस कोड यही चल रहा है लड़कों के लिए, धोती कुर्ता या पजामा जो भी होता है, और लड़कियों के लिए सूट। तो देखते हैं, अभी जाते हैं राम मंदिर और दर्शन करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है क्योंकि हमारी 2:30 बजे की ट्रेन है, फिर हमें ट्रेन भी पकड़नी है। अभी जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत कुछ बन रहा है, डेवलपमेंट पूरी अच्छी तरह से हो रही है, इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे होटल भी बन जाएंगे इस एरिया में, देखते हैं फिर कब आएंगे इस एरिया में। सुबह के 8 बज रहे हैं और इतनी भीड़ है, ये पैदल वो रोड है, यहीं से ही राम मंदिर आता है, इतनी भीड़ है, खोने का तो बिल्कुल डर है। इस रोड पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ही भीड़ है, ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है। तो फाइनली मैं राम मंदिर पहुंच चुकी हूँ। जो आप बड़ा सा बोर्ड देखते हैं राम मंदिर का, वो तूफान की वजह से उड़ गया था, ये मैंने किसी पुलिस वाले से पूछा था तो उन्होंने ही बताया था मुझे। तो ये एंटर तो हो गई हूँ मैं, आगे देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। और यहीं से ही बहुत सारी लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं,
अभी तो फिलहाल ये सिक्योरिटी चेक वाली लाइन्स है और बहुत ही सुंदर बना रखा है राम मंदिर, आप वीडियो में देख सकते हैं। फाइनली हम लाइन में लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है जैसा सोचा था वो, और अभी फ़ोन ले जाना तो अंदर अलाउड नहीं है, देखते हैं कहाँ तक फ़ोन जाता है। तो यही है वो सिक्योरिटी बूथ, बहुत सारे बना रखे थे। यहाँ पे अभी चेकिंग होगी बैग में कुछ है तो नहीं, मतलब समझ रहे हो ना क्या नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये है शूज रैक, और राइट साइड में है लॉकर रूम, आप अपना फोन लॉकर रूम में रख सकते हैं या कोई भी कीमती चीजें। यहाँ पे ये सारे लॉकर हैं, हमें भी फोन यहीं पे जमा करवाना पड़ेगा, जल्दी से करवा लेते हैं और फिर मंदिर के लिए दर्शन के लिए चलते हैं। अभी हम लॉकर से, मतलब मंदिर से बाहर आ गए, ये लॉकर रूम था पीछे, फोन ले लिया है, दर्शन तो बहुत ही अच्छा हुए। अभी शायद आवाज नहीं आ रही होगी, थोड़ी देर में बताते हैं। हाँ ये कर लो पहले। 10:15 बज चुके हैं और हमने कर लिए मंदिर के दर्शन, बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। शायद अब भी आवाज नहीं आ रही होगी, चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तो बाहर जाके बात करती हूँ आपसे। तो मैंने चेक कर लिया है कि मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है फोन में, और यहाँ पे लोग इतने खोते हैं, तो आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मत लाना, और अगर बहुत बूढ़े लोग हैं तो वो भी ना ही आए अभी तो ज्यादा अच्छा है, या VIP दर्शन भी कर सकते हैं, मर्जी है। भी सेम उतनी ही भीड़ है जितनी सुबह थी, 8 बजे भी सेम भीड़ थी और अब भी उतनी ही भीड़ है, बहुत शोर हो रहा है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने खाए थे यहाँ पे सांबर वड़ा और थोड़ा सा डोसा, दोनों का टेस्ट बहुत बढ़िया था। फाइनली हम अपने रूम पे पहुँच गए हैं, ये देख सकते हैं ये रूम है, हाँ अभी अभी बना है सारा, यहाँ पे डेवलपमेंट अभी अभी हुई है। अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन है 2:30 की, तो अभी हम रेस्ट करेंगे, बहुत नींद आ रही है और गर्मी तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो अभी 1 बजने वाला है और हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन आया होता है तो बहुत क्लीन है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली वाला, जो निज़ामुद्दीन वगैरह वाले हैं, यहाँ वाला स्टेशन बहुत क्लीन है। तो अभी निकलते हैं, कोई रिक्शा ढूंढेंगे, बहुत देर में भी मिलता है रिक्शा और 1 घंटे का तो रास्ता है यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाने का, तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो फिलहाल इस होटल से निकल रहे हैं, लास्ट बारी ये व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको, तो चलो चलते हैं। तो वंदे भारत तो आ गया हमारे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन 3:20 की है, 2:30 की नहीं है, मेरे को कंफ्यूजन थी क्योंकि जो हमारी आने वाली थी दिल्ली से वो थी 2:30 की, बट ये वाली तो 3:20 की है। तो ट्रेन तो आ गई, अभी इसकी सफाई वफाई होगी फिर हम इसमें बैठेंगे। ट्रेन तो बहुत अच्छी है, वो तो देख ही लिया है आपने, अगर नहीं देखा वो वाला ब्लॉग तो जरूर देखना। जय श्री राम बोल के हम निकल गए अयोध्या से दिल्ली के लिए, चलो चल दी है पूरे करेक्ट 3:20 पे चल दी है ट्रेन, अब देखते हैं खाने में क्या आता है। ट्रेन चलने के 5 to 10 minutes बाद ही आपको पानी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी, मैं नहीं मेरा पेट वेट कर रहा था, वो घड़ी आ गई है। यस खाना आ गया, सॉरी नाश्ता आ गया, खाना तो अभी मिलेगा बाद में। अब बना है इसमें ओह गड़बड़ मिक्सचर, इसी को कहते हैं इस मिक्सचर में कुछ गड़बड़ है, तो ये फेमस जो दया का डायलॉग है ना उससे बनी है मिक्सचर, ये दया भी इस पे कॉपीराइट लगा सकता है अगर लगाना चाहे तो। कुछ भी ओ दया नहीं ऐसी भी, वो थोड़ी मेरी CID कमजोर है। समोसा अब मैं इनको खाने के बाद ना। अगर आपको जानना है कि वंदे भारत ने हमें कब ड्रॉप करा दिल्ली, तो थोड़ा सा व्लॉग और बचा है तो उसको भी देख के ही जाना। 8:15 और हमने लखनऊ तो क्रॉस कर लिया है, दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे, मतलब 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और अभी खाना आने ही वाला है। इन सबको जल्दी से खोल के देख लेते, तो आप देख सकते हैं हमें डिनर में क्या मिला, दाल पनीर राइस कर्ड रोटी
मिक्स वेज और मीठे में रसगुल्ला। फाइनली आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं। हमारी यहीं से ही ट्रेन ख़त्म होती है और टाइम 11:20 अभी, और 11:40 का टाइम था लेकिन हमने जल्दी पहुंचा दिया। वंदे भारत बेस्ट है। चलिए बाहर चलते हैं, उतरते हैं। 11 बज चुके हैं और ट्रेन से तो उतर गए हैं। बहुत अच्छा रहा सफ़र। अगर आपको पहली वीडियो पसंद आई हो, मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको पता तो है क्या करना है, आप करते नहीं हो बट फिर भी बोलना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।